कर दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऋषि की मॉम नीलम लगातार ये सोच रही है कि लक्ष्मी काश आए नहीं। और यहाँ पर जो कि आप लोग जानते ही हैं कि आयुष की मॉम बोल रही है कि भाभी आप चिंता मत करो, लक्ष्मी यहाँ पर कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस समय करिश्मा जो कर रही है नीलम से, नीलम को लगातार भड़का रही है और बोल रही है कि तुम चिंता मत करो, ऋषि की शादी इस बार मलिष्का से होगी और लक्ष्मी अब इस घर में कभी नहीं आएगी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इधर आयुष और साथ में बानी और आप लोग जानते ही हैं सालू, ऋषि, काफ़ी लोग इस समय घर से गायब हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीका से लक्ष्मी की आखिरकार किडनैपिंग हुई थी, उस किडनैपिंग के पीछे मलिष्का और साथ में विक्रांत दोनों ही हैं, क्योंकि यहाँ पर विक्रांत साफ साफ बोलता हुआ नज़र आ रहा है। आखिरकार विक्रांत ने बोला है कि अगर लक्ष्मी शादी करती है तो सब कुछ ठीक हो सकता है, अगर नहीं की तो लक्ष्मी को भी मारूंगा, साथ में जो मारूंगा मैं इधर आयुष को भी मारूंगा और सालू को भी मारूंगा। जी हाँ, क्योंकि इस समय सालू को धारदार हथियार के सामने रख दिया है ताकि अगर लक्ष्मी ना बोले तो उसका क्या हाल करूं। इधर बात की जाए तो मलिष्का भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन मलिष्का चुपचाप एकांत जगह में देख रही है ताकि कोई उसका चेहरा देख नहीं पाए और पूरा काम आखिरकार वो अपने आंखों से देखते रहे। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक नहीं बल्कि समय कई और भी ट्विस्ट लगातार लाती हुई नज़र आ रही है। और रीजन की बात की जाए तो इस समय कई रीजन भी देखने को मिल रहे हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि अभी तक जो भी कुछ देखा गया है वो भी बहुत कुछ था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मलिष्का जो लगातार अपना प्लान खेल रही है सोनल के साथ मिलकर, क्योंकि दोस्तों सोनल ने ये प्लानिंग बहुत समय पहले ही बनाई थी कि किस तरीका से आखिरकार लक्ष्मी को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब करना है, क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी को गायब करने का प्लान था।